भी जगह है भाई, डिसाइड कर ले वो बगला है कि नहीं है, बता दे भाई मैं क्या बताऊँ एंड में। है तो बगला ही है भाई, नाव में बैठ के चले फिर आज, देख के आए इसीलिए देख के आए थे पहले। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल, और आज है मथुरा में पहला दिन। और तुम्हें ये देखो एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, ये देखो हम लोग यहाँ पे घूमने आए हुए थे। जब मैं मतलब यहाँ पे आता हूँ तो एक आध दिन आता हूँ इस जगह पे, देखो ये सही से दिख नहीं रहा, ये जो वाइट वाला पॉइंट लग रहा है ये बगुला है भाई, और ये कितना बड़ा बगुला है कोई अंदाज़ा नहीं है इस चीज़ का हमें। भाई ऐसे मोर के बराबर का बगुला दिखाई दिया आज हमको। मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं करने वाला था, मैं रेस्ट इन पीस तो नहीं बोलूँगा, पर मैं रेस्ट में जाने की सोच रहा था रिकॉर्ड ना करूँ मैं, लेकिन भाई फिर ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं यार। ये देखो ये बगुला, और ये मथुरा में भाई काफ़ी अच्छी घूमने की जगह है। लोकेशन वगैरह तो मैं तुम्हें वैसे ही बता दूंगा कोई पूछेगा तो। और लोग भी आ गए, देखो बाइक से आए थे, काफ़ी दिनों बाद बाइक निकाली है भाई, बाइक की हालत जब आता हूँ जब ख़राब, सर्विस कराने की सोचनी पड़ेगी अब मुझे, क्या करना है क्या नहीं करना। और ये देखो ये वो वाला पुल है, मैं तो कम बोला कर यहीं पिट जाएगा, फिर चार दिन तक रहेगा। और ये घूमने हेतु संपर्क करें, ये भी जगह है भाई, डिसाइड कर ले वो बगला है कि नहीं है, बता दे भाई मैं क्या बताऊँ एंड में। है तो बगला ही है भाई, नाव में बैठ के चले फिर आज, देख के आए इसीलिए देख के आए थे पहले। ये देखो यार ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट ये बगला है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है बगलों के हिसाब से, और कोई बगला दिख भी नहीं रहा भाई, ये बगलों का राजा वाजा है भाई, दबदबा बना दिया इसने और कुछ नहीं है। वो छोटे छोटे से जिसमें आप ही नहीं गए थे, ये छोटे छोटे से जो भी हैं ये अगले असली बगले भाई, अलग भी है उन लोगों से, ये हंस है भाई। पानी इस बार साफ हो गया ना भाई, इलेक्शन आ रहे भाई, पता ही नहीं फिर तो ये क्या हो सकता है। देखो मैं तुम्हें एक चीज़ और दिखाऊँ, यहाँ पे एक मंदिर भी है और यहाँ से अंदर जाने का रास्ता भी है। अब मैं बाइक लेके अंदर जाऊँगा पर मैं वो रिकॉर्ड नहीं करूँगा, तो मैं दूर से दिखा रहा हूँ सनसेट व्यू सब चीज़ यहीं पर इकट्ठी। ये देखो इस जगह से अंदर जा सकते हो तुम जब घूमने आओ, जब हेलमेट किसी को कोई बाई चांस चालान कटने लग जाए, एक्स्ट्रा हेलमेट है किसी को लेना हो ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। गाड़ी खड़ी है, हम तो दो हेलमेट लेके आए, एक हम भी टांग जाएंगे, एक से हम बची जाएंगे, और एक से एक ही आदमी बच पाएगा ना, दूसरा कैसे बचेगा। अरे वो उड़ भी नहीं रहा यार, पत्थर फेंक के मारते हैं उसको, पता चल ले कर लेते हैं क्या है क्या हुआ भाई। ये होगा करीबन 500 मीटर दूर, ज़्यादा होगा और भाई 1 किलोमीटर तो नहीं होगा, 800 हो जाएगा ज़्यादा ज़्यादा। के आर डिग्री कॉलेज में बच्चे आ रहे हैं, के आर डिग्री कॉलेज देख क्या है क्या सिस्टम बैठा है वहाँ पे। ये देख वो लोग तैर रहे हो, ये देखो ये बोटिंग हो रही है यहाँ पे, इनसे पूछ लेते हैं ये देख क्या है वो बबला है कि क्या है। तो वो कोई पक्षी भी फैलाते भाई है तो भाई, ओहो भाई पक्षी तो है ही, वो पंख ना फैलाता तो भी मानता। ये देखो ये अंकल खड़े होकर अपने आप को टाइटैनिक का हीरो समझ रहे हैं, इन्हें पता नहीं है टाइटैनिक डूब गई थी और इस नाव से 10 गुना ज़्यादा बड़ी थी भाई। टाइटैनिक इसका इससे 10 गुना तो बड़ी होगी कि 100 गुना बड़ी होगी भाई इससे, तो इससे तो 1000 गुना, 1000 गुना भाई। टाइटैनिक हमने यहाँ उतार दिया, यहाँ से लेके वहाँ तक आई, ये तो कह सकते हैं इस हिसाब से, तो उसके अंदर में गाड़ी मोटरसाइकिल बाइक स्कूटर चलने चाहिए भाई लोगों को ट्रैवल करने के लिए। चलते थे या फ्लाइट से जा रहे हैं इस कॉलेज से उस कॉलेज में, हेलीकॉप्टर उड़ाई सक 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 ऐसे लेके गया, फिर उतारा सक 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 भाई। जो भाई कुत्ते भी घूम रहे हैं, पर वो पक्षी नहीं हो रहा यार, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट नहीं भाई बता भाई, वो होते हैं इतने बड़े आराम से, उनका तो रनवे होता होगा यार इतना बड़ा, तो भाई इनके लिए समुद्री चाहिए भाई, प्लेन से तो बहुत बड़ी बड़ी होती है शिप, नहीं कमर्शियल प्लेन में भी बड़ी होती है शिप, तो कमर्शियल प्लेन तो चूतिया चीज़ है, छोटी चीज़ है उनके आगे यार। 100 एयरक्राफ्ट देखो यार लोग आ रहे हैं इस टाइम पे, लोग यहाँ पे घूमने घूमने आते हैं, पहले इस ना जाली नहीं लगी थी तो लोग झाड़ियों में चले जाते थे, पता नहीं क्यों जाते थे पर चले जाते थे, मैंने देखे थे जाते हुए, मेरे खुद दोस्त चले जाते थे, मैं तुम्हें क्या बताऊँ जब हम स्कूल में थे, मैं नहीं गया लेकिन झाड़ियों के पीछे, वॉशरूम जाते होंगे भाई। भाई ये जाली लगी है भाई पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, जैसे कि भाई कोई किसी को मार के फेंक गया, नहीं 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 ऐसा गलत बात है, बहुत ओपन माइंडेड लोग हैं हमारे, आते रहते हैं तो आते रहते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है भाई। वाली बात है ओपन माइंडेड है तो फिर ये देखो अंकल आ गए टाइटैनिक का हीरो समझ के अपने आप को, मैं क्या कह रहा हूँ ओपन माइंडेड है शहर के बीच में रहे भाई, वो लोग ओपन माइंडेड है जो जा रहे हैं, जो बीच में और लोग हैं वो थोड़ी होंगे, उनको एक्सेप्टेड नहीं होगी वो,
नहीं तो जाली लगती नहीं। तुम मुझे क्यों बोल रहा है? बता रहा हूँ छोड़ो भाई, बढ़िया बात है। वैसे जाली लग गई मेरे हिसाब से तो अच्छा है, और तुम कब जाओगे भाई? ये देखो अंकल जो टाइटैनिक के हीरो थे क्या कर रहे हैं, ये देखो अभी ये लोग तो कहीं से घूमने आए, ऐसा लग रहा है खुश लग रहे हैं काफ़ी। अबे इनसे कहो वो बगला देख के आए यार, किस्मत है तुम्हारी, तुम नाव में हो, हम बैठे हुए नहीं है नाव में। कितनी काँव 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 हो रही है, कहीं लाश वाश पड़ी है क्या भाई? कौवे तो जब भी मंडराते हैं अपने ऊपर, स्केवेंजर्स कह सकते हैं हम इनको। और इस पर संपर्क कर लेना भाई घूमने के लिए, कोई बढ़िया है भैया, खुश हो जाएंगे। हाँ इनकी नाव कैसे टेढ़ी सी चल रही है, देख भाई पायलट बन चुके हैं, कहते नाव वाले चलाने वाले को बता रहे हैं इधर लगा दो नाव, वहाँ लगाना सही नहीं है। चलो भाई चलो, तो अब मैं घर पर निकलता हूँ, रात बैठूँगा थोड़ी देर, थक गया रात में भाई। मेरी ट्रेन जो 1:30 बजे पहुँचने वाली थी, सुबह 5 बजे पहुँची। थैंक्स टू इंडियन रेलवे, तो मुझे आराम से बैठने का मौका दिया। मैंने 6 घंटे बैठने के पैसे दिए थे, उन्होंने मुझे 12 घंटे 13 घंटे बैठाया, मैं बहुत खुश हूँ। अरे नंगे घूम रहे हैं भाई, यहाँ पे कुछ तो हुआ ही। ये देखो ये क्या करते पकड़े गए, बता नहीं कपड़े पहनते हुए आ रहे हैं भाई। भाई कुछ और भी है क्या भाई? लौंडे लौंडे आ रहे हैं, कुछ और कह भी नहीं सकते यार। ये देखो नाव पार्क हो गई भाई, अब इस 80 पे चढ़ के सब उतर जाएंगे। भाई कैमरा देखते लौंडे अपने बाल बाल ठीक करने लग जाते हैं ना, कहीं भी आए हम अच्छे लगने चाहिए। तो यार दोस्तों आज का दिन तो कुछ ऐसा था कि वहाँ पे जाने के बाद हम लोग कहीं नहीं गए, ना मैं गया ना प्रियांशु गया, नहीं तो मैं रिकॉर्ड जरूर करता। कल जाएंगे हम बहुत अच्छी जगह पे अगर मन हुआ तो, क्योंकि 3-4 दिन की छुट्टी मिली है भाई, लेटे लेटे रहने का मन करता है बस। तो चलो भाई बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं अगले व्लॉग में। और यार बने रहो, कुछ तो प्लान होगा, कुछ तो इनोवेशन आएगा व्लॉग्स में, कुछ तो मेरे मतलब दिमाग में आइडिया आएगा। और कुछ तुम भी बताओ कि क्या करना है क्या नहीं करना, कॉलेज व्लॉग्स हो गए, अपने वाले हो गए, घर आया ही हुआ हूँ, घर के चलेंगे ही, अभी मथुरा में कहीं मंदिर वगैरह गया या कुछ भी गया, मैं डालूंगा उस चीज़ का व्लॉग। लेकिन और भी कुछ मतलब चाहिए यार, दिमाग आना चाहिए, ठीक है? तो बताओ, सजेशन हो तो दो। चलो बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।